उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का श्रेय लेने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इसके लिए ताल ठोक दी है। कांग्रेस ने कहा कमलनाथ सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में महाकाल परिसर के संवारने और उसके विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया था। तीन मंत्रियों के दौरे के बाद इसमें काम भी शुरू हो गया था। उन्होंने कहा यह कमलनाथ की देन है। वहीं प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ जी को झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने कहा 2017 में शिवराज सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी। कमलनाथ सरकार में महाकाल कॉरिडोर योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पार्टियां अब श्रेय लेने के लिए अपने अपने सबूतों को भी सोशल मीडिया में शेयर कर रही हैं। महाकाल कॉरिडोर का श्रेय लेने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी कांग्रेस में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि महाकाल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर शिवराज के झूठ को बेनकाब करती है सरकारी पोस्ट पढ़िए और शेयर व ट्वीट करिए। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल फेसबुक पर 17 अगस्त 2019 को एक 2 पेज की पोस्ट डाली है जिसमें कमलनाथ जी द्वारा 300 करोड़ की योजना शुरू करने की बात और पूरी योजना का विस्तार से वर्णन व बैठक के फोटो भी डालते हैं। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 17 अगस्त 2019 को ट्वीट हुआ जिसमें कमलनाथ जी द्वारा महाकाल के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू करने की बात है। जनसंपर्क मध्य प्रदेश द्वारा 17 दिसंबर 2019 को भी एक ट्वीट हुआ जिसमें कमलनाथ जी द्वारा महाकाल मंदिर परिसर को संवारने के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू करने की बात है। जनसंपर्क अधिकारी उज्जैन के ऑफिशियल हैंडल से 19 अगस्त 2019 को ट्वीट हुआ है जिसमें कमलनाथ जी द्वारा महाकाल मंदिर के सुविधा विस्तार की और सौंदर्यीकरण की बात है। कमलनाथ जी की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने महाकाल मंदिर, जो उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है, उसके विस्तार और सौंदर्यीकरण की लेके एक योजना बनाई थी। 7 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में उसको लेके एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी जिसमें उज्जैन के तमाम जनप्रतिनिधि, मंदिर समिति से जुड़े सभी लोगों को बुलाया था, उनसे सुझाव मांगे थे और 300 करोड़ का बजट भी उन्होंने आवंटित किया था। उसके बाद उन्होंने तीन मंत्रियों की एक समिति बनाई थी। वो मंत्रियों की समितियों ने उज्जैन का दौरा भी किया, महाकाल मंदिर का दौरा किया, लोगों से सुझाव मांगे। उसके बाद प्रारंभिक तौर पर काम भी प्रारंभ हो गए। फिर कमलनाथ जी की सरकार गिर गई और बाद में उसी योजना को शिवराज सरकार ने आगे बढ़ाया। अब शिवराज सरकार ने महाकाल मंदिर का काम पूरा किया, ठीक है, उसके लिए उनको धन्यवाद, लेकिन शिवराज सरकार उसका झूठा श्रेय ले रही। वो कह रही कि हमारा विजन था, हमारी सोच थी, हमने काम प्रारंभ किया, जबकि फाइलों के अंदर ये प्रमाण के रूप में मौजूद है कि इसको लेके काम और विजन कमलनाथ जी की सरकार की देन है। बजट आवंटन उन्होंने किया, काम उन्होंने प्रारंभ किया, हाँ हमारी सरकार गिर गई, नहीं तो पूरा भी हम इसे करते। अब उनको इस महाकाल कॉरिडोर के पूरा श्रेय शिवराज सरकार को, कमलनाथ जी को देना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जिसके कारण यह आज योजना मूर्त रूप ले सकी। तो निश्चित तौर पे कमलनाथ सरकार की देन है। इसे प्रदेश की जनता भी जानती है और इसे उज्जैन की जनता भी जानती है, प्रदेश के सारे श्रद्धालु जानते हैं कि कमलनाथ जी की सोच के कारण ही आज ये काम पूरा हो पाया। वहीं मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा झूठ का शगल रखने वाले कमलनाथ ने बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कमलनाथ ने कांग्रेस और बेरोजगारों से झूठ बोला, कमलनाथ जी बाबा महाकाल को तो बख्श देते। 2017 में शिवराज सरकार में यह प्रस्ताव बना था, 2018 में इसका टेंडर लगा, तब शिवराज जी की सरकार थी, कमलनाथ कहां से आ गए। उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार में यह ठंडे बस्ते में था, शिवराज सरकार फिर आई तब 856 करोड़ का प्रस्ताव बना जिसमें 351 करोड़ का फर्स्ट फेज है जिसको पीएम मोदी लोकार्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ जी को अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। देखिए कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शगल है, जैसे किसानों को बोला 2 लाख का 10 दिन में, एक को भी नहीं दिया। 4,000 का हर महीने बेरोजगारी भत्ता, घर बैठे 15 महीने में 60,000, एक नहीं दिया। कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ को महाकाल को तो बख्श देते। अरे 2017 में इसको प्रस्ताव बनाया था, 1 साल में इसकी DPR बन के आई थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2018 में इसका टेंडर लगा था, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये कहाँ से आ गए। इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया, जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुणे आए तब फिर इसको विस्तारित किया और 856 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव बना, 351 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव फर्स्ट फेज का है जो माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करने आ रहे हैं और सेकंड फेज का 310 करोड़ का दूसरा चरण इसका बनेगा। अब महाकाल को भी नहीं बख्शा कमलनाथ जी, गजब। अरे अच्छा काम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे जाने की जगह बाबा महाकाल को नमन करते कभी तो तारीफ करना सीखे। जो काल के कपाल पर है, जो भाग्य के भाल पर है, जो है आदि योगी ईश्वर, जय हो
कालजयी महाकालेश्वर। करोड़ों भक्तों का अटल विश्वास, सदियों की आस्था, परमानंद का आभास, ये है श्रद्धा का स्वर्णिम काल, दिव्य भव्य महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल एक दक्षिणमुखी शिव का रूप विशाल। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 47 हेक्टेयर के परिसर में नवनिर्मित श्री महाकाल लोक दर्शन हेतु तैयार है। शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है सम करोति सह शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को सायं 6 बजे लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल लोक का। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, तब महाकाल बाबा। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के हम साक्षी बने। जय महाकाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।